ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बड़ी थी, मैं भी 20-25 हज़ार से लीड बन रहा था, लेकिन हमारे ही पार्टी के लोगों ने भीतर घात करने का काम किया, उससे भी लीड कम हुए। 15-20 सीटों पर बागी खड़े हो गए थे। एक मेन रीजन ये भी है कि हमारी कहीं ना कहीं डेंट मारने का काम किया। दूसरा, हमारा पिछले कई साल से श्री, लेकिन मेरे को लगता नहीं प्रदेश अध्यक्ष अभी बदला जाएगा। कि ये पार्टी हाई लेवल पे देखते हैं किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको LOP बनाना है, किस व्यक्ति। हरियाणा में चुनावी नतीजों को लेकर घमासान मचा हुआ है और आज हमारे साथ हरियाणा तक पर मौजूद हैं फतेहाबाद से कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने 2200 कुछ मतों से जीत हासिल की है, और इनसे बातचीत करते हैं कि आगामी इनका क्या रणनीति इनकी रहेगी और कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर ये कैसे देखते हैं। हरियाणा तक में स्वागत है विधायक जी आपका। धन्यवाद। आपने जीत दर्ज की है, कांग्रेस की लहर थी, तो ये लहर कैसे रुकी, इसे कैसे देखते हैं जी आप? ये पार्टी की अभी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में विचार किया जाएगा भाई ये क्या कारण रहे। सारे एग्जिट पोल बता रहे थे, मीडिया बता रहा था, हमारी खुद की फीडबैक बता रही थी 60 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी लेके जा रही है, लेकिन 37 पे कैसे अटके ये एक विचार का बिंदु है। इस पर पार्टी गहनता से विचार करेगी। EVM को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि शिकायत भी कांग्रेस ने जो है वो की है कि EVM में दिक्कत है, कई जगह बैटरी ज़्यादा थी, इसको लेकर भी विवाद हुआ। EVM को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत किया भी बैटरियों की जो बैटरी चार्जिंग थी वो 99-98% थी। तो जब सारे दिन बैटरी चलती है तो अमूमन 65-70-72 या 60 के करीब होती है, लेकिन ऐसी बहुत सी सीटें थी 35-40 जहाँ पे 98% से ऊपर बैटरी मिली। तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल मैटर है, तो हमने चुनाव आयोग से शिकायत करी भी इस डाउट को हमारा दूर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ झाला किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी स्टेटमेंट दी थी कि हमने सारी मैनेजमेंट हमने तैयारी कर ली है, तो मुख्यमंत्री के वक्तव्य से हमारा डाउट थोड़ा और गहरा हो जाता है। आपने जीत दर्ज की है, इलाके में आप गए हैं, तो कैसी परिस्थितियां थी? हालांकि आपकी जीत भी काफ़ी बड़ी बताई जा रही थी, लेकिन लास्ट में 2200 पे सिमटी है, तो क्या क्या परिस्थितियां आपके सामने आई? निश्चित तौर पे फतेहाबाद विधानसभा की जीत काफ़ी बड़ी थी। मैं भी 20-25 हज़ार से लीड बन रहा था, लेकिन हमारे ही पार्टी के लोगों ने भीतर घात करने का काम किया, उससे भी लीड कम हुई। और उसके बाद में जो गंद भाजपा के प्रत्याशी ने मचाया, चाहे शराब का मामला हो, चाहे पैसे के बांटने का मामला हो, चाहे प्रशासन का दुरुपयोग करने का मामला हो, और भी बहुत सी ऐसी बातें सामने आई थी जिससे आम वोटर को उन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया था, उस वजह से हमारी लीड कुछ कम हुई है। तो आप कैसे देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पिछड़ी है, आपके हिसाब से उसके क्या कारण हो सकते हैं, अगर आपकी बात करें तो? एक कारण नहीं, कई कारण है उसमें। एक तो हमारे कैंडिडेट हर जगह ज़्यादा हो गए थे और उन कैंडिडेटों को हम समझा नहीं पाए, कुछ कैंडिडेट 15-20 सीटों पे बागी खड़े हो गए थे। एक मेन रीज़न ये भी है कि हमारी कहीं ना कहीं टेंट मारने का काम किया। दूसरा, हमारा पिछले कई साल से संगठन नहीं है, प्रत्येक कैंडिडेट को चुनाव के दौरान संगठन की कमी महसूस हुई, और भी बहुत सी इंटरनल बातें हैं जो हमने खुद महसूस की, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मैं बताऊँगा ताकि आगे से पार्टी सजग और सावधान रहे। आपने भीतर घातियों का जिक्र भी किया, तो क्या मानते हैं कि कार्रवाई उन पर सख्त होनी चाहिए ताकि सख्त संदेश जा सके? पार्टी इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है, और राहुल जी ने और दूसरे सीनियर नेताओं ने कल लिखा कि भीतर घातियों के नाम बताओ, ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि इन लोगों के हित पार्टी हित से ऊपर थे, और जिस व्यक्ति के हित खुद के पार्टी हितों से ऊपर हो ऐसे लोग पार्टी के अंदर नहीं रहने चाहिए। प्रदेशाध्यक्ष बदलने को लेकर भी बातचीत चल रही है, तो लग रहा है कि कुमारी शैलजा को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो कहीं ना कहीं फायदा उससे होगा पार्टी? अभी तो ये मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं प्रदेश अध्यक्ष अभी बदला जाएगा। कि ये पार्टी हाई लेवल पे देखते हैं किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको LOP बनाना है, किस व्यक्ति की कहाँ जिम्मेवारी ली है, जहाँ पार्टी को ठीक लगेगा उस व्यक्ति से वहीं कोई काम लिया जाएगा। तो फतेहाबाद की तीनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं, तो जनता को क्या भरोसा दिलाते हैं कि विपक्ष में बैठने के बावजूद भी आवाज़ आप जनता की उठाते रहेंगे? जनता को मैं भरोसा दिला रहा हूँ, जनता को घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जनता के काम धड़ल्ले से होंगे, किसी भी अधिकारी को मनमर्जी करने नहीं दी जाएगी,
एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और प्रत्येक कार्यालय में जब भी कोई आम आदमी जाएगा तो अधिकारी उसकी सुनने का काम करेगा। अगर अधिकारी कहीं कोताही बरतेगा तो हम अच्छी तरह से काम लेना जानते हैं, क्योंकि हम तीनों विधायक एक्सपीरियंस होल्डर हैं, कोई दो बार बन चुका है, कोई तीन बार बन चुका है। तो फतेहवा जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूँ कि लेश मात्र भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी काम से अधिकारी कोई भी आपको आनाकानी नहीं कर सकता। तो हमारे साथ थे बलवान सिंह दौलतपुरिया, जिन्होंने कांग्रेस से जीत हासिल की, और इनका कहना ही कहना कि संगठन का ना होना भी दिक्कत का सबब रहा है। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि फतेहाबाद की तीनों सीटें जो कांग्रेस के पास हैं, जनता की आवाज़ जो है वो जोर शोर से उठाते रहेंगे। मैं हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मुंगा।